दोस्तों सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। 17 जून 2024 आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 17 जून 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है? कौन सा समय नए काम या शुभ काम के लिए अच्छे नहीं है? राहु काल का समय क्या है? दिशा शूल किस दिशा में है और दिशा शूल का निवारण कैसे करेंगे? ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, आपके दिन को सफल बनाने वाला है। दोस्तों 17 जून 2024 को सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन शंकर जी का होता है और शंकर जी के परिवार का होता है, तो विशेष रूप से शंकर जी की पूजा अर्चना करें। और 17 जून 2024 में 24 घंटे का पूरा विवरण, समय विभाजन कि कौन सा काल किस समय है, ये मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। उसका उपयोग करें, उसको डाउनलोड करें और अपने पूरे दिन को नए काम या शुभ काम को उस चार्ट के माध्यम से करके सफल बनावें, कार्य को भी सफल बनावे, दिन को भी सफल बनावे। दोस्तों सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, इसके बाद अमृत काल, इसके बाद वक्र काल, शून्य काल निकृष्ट काल है और राहु काल निकृष्ट काल है। शून्य काल और राहु काल में हमें कोई काम नहीं करना है। 17 जून 2024 को शून्य काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। राहु काल 7:30 बजे सुबेरे से लेके 9 बजे सुबेरे तक है। राहु काल अगर महेंद्र काल में भी पड़ता है या अमृत काल में भी पड़ता है या वक्र काल में भी पड़ता है, तो हमें इस समय 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कोई काम नहीं करना है। अगर हमने 7:30 बजे से पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों महेंद्र काल, महेंद्र काल सबसे अच्छा काल है, उसमें भी युवा और प्रौढ़ का समय सबसे अच्छा है। 2:48 रात 12 बजे के बाद में शुरू होके 3:36 रात देर रात खत्म हो रहा है, मतलब ये महेंद्र काल का समय 17 जून 2024 को रात 12 बजे के बाद ही है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू हो जा रहा है और 7:36 तक है सुबेरे ही, फिर 9:12 सुबेरे से शुरू होके ये 11:36 सुबेरे तक है। इसके बाद में 8:24 शाम को शुरू होके 11:36 शाम तक है। दोस्तों अमृत काल और महेंद्र काल अच्छे काल हैं, इनमें कभी भी आप कोई भी नया काम शुभ काम शुरू कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ का समय महेंद्र काल और अमृत काल में अगर आप चूज करते हैं या फिर उस समय को का उपयोग करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, कार्य जल्दी सिद्ध होगा। वक्र काल यूँ तो काम शुरू होने के बाद में काम समाप्त हो जाता है, काम पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों और परेशानियों के बाद में। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि वक्र काल में भी काम न करना पड़े तो अच्छा है। वक्र काल में भी युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें अगर किसी वजह से आपको काम करना पड़ता है तो। दोस्तों इस चार्ट को डाउनलोड कर लें या नोट कर लें और इस चार्ट के माध्यम से अपने दिन के नए कार्य शुभ कार्य करें और सफल बनावें, दिन को भी सफल बनावें। आगे दोस्तों मैं बताऊंगा कि इस चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ आप करोगे और कैसे करोगे। दोस्तों गृह प्रवेश का समय निर्धारण करने में, मुंडन के मुहूर्त का समय निर्धारित करने में, कोई भी शुभ मुहूर्त निर्धारित करने में, कथा या हवन का समय निर्धारित करने में, पूजा कोई भी नई नया पूजा जो डेली दैनिक पूजा आप करते हो उसके अलावा उसका समय निर्धारित या पूजा शुरू करने का मुहूर्त, नामकरण बच्चे का नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, वाहन खरीदने बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी को देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कहीं बाजार में 3-4 घंटे के लिए मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किस बच्चे को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, अगर किसी यात्रा पे बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय। तो दोस्तों इस चार्ट का आप अपने हिसाब से भी R&D करके इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, ये टेलर कट है। तो दोस्तों ये रहा कैसे उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करें, दिन का सफल बनावें और दिन मंगलमय बनावें। दोस्तों आगे बात करते हैं दिशा शूल की। सोमवार का दिन है, पूरब और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशा शूल है, घर से दर्पण देखने के बाद ही निकले। लेकिन अगर आप सुबेरे छः दिन शुरू होता है सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक, अगर इस बीच में आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो घर से दर्पण देखने के बाद निकले, लेकिन जो पीछे चार्ट आपको दिखाया है उस चार्ट का उपयोग करके ही घर से निकले। चलिए दोस्तों आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो देख के आप इसका उपयोग करें और दिन को
अपना और कार्य को सफल बनावें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।